आज के पेट्रोल के रेट को देख के आपको लग रहा होगा ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए था, और दूसरी बात आपको ये भी लग रहा होगा जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, आपको सही लग रही होगी ये भी। आपको ही नहीं, वो मुझे भी सही लग रही है, क्योंकि आज सबसे पहला काम मैंने वही किया है, जाके पेट्रोल भरवा के लाया हूँ गाड़ी के अंदर। क्योंकि आज के टाइम पे मुंबई के अंदर 96.93 पेट्रोल का रेट है, यानी कि 97 रेट है। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि पहला क्यों बढ़ता है रेट, और दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है। पहले के बारे में बात करते हैं, रेट क्यों बढ़ता है। देखिए, मैं आपको टेक्निकल टर्म में नहीं लेके जाऊंगा कि आपको समझ में ही ना आए, आपको बेसिक समझाऊंगा एक लेमन टर्म में कि आप नॉर्मल सा आदमी भी समझ सकता है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है? सबसे पहले वो होती है टैक्सेस के थ्रू। उस पैसे को वो सैलरी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विस मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है सिटीजन ऑफ इंडिया को, उन सारी चीज़ों के अंदर वो स्पेंड करती है मनी को। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, जब कोरोना का टाइम हुआ, पेंडेमिक का टाइम हुआ, हमने पेट्रोल डीजल बहुत ही कम यूज़ किया, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डबल हो गया, क्योंकि उनको हेल्थ केयर सर्विस ज़्यादा बढ़ानी पड़ी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ानी पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा ताकि उस बीमारी से लड़ा जा सके। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हुआ है तो उसको रिकवर भी करना पड़ेगा ना। इस कंडीशन के अंदर क्या किया उन्होंने, जो टैक्सेस हैं तेल के ऊपर उसको बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट 1 रुपये भी कम करती है ना एक साल का पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो उनका लाखों करोड़ों का नुकसान होता है अगर 1 रुपये कम करते हैं। तो वही सोचिए, अगर गवर्नमेंट को रिकवर करना है वही पैसा, तो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जब भी किसी स्टेट के अंदर बाढ़ आती है या फिर सूखा पड़ता है, मतलब कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आती है, तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी जो टैक्स लगाती है उससे इनकम जनरेट कर सके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। जब क्रूड ऑयल को हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसका रेट लगभग लगभग 30 के आसपास है, 30, 31, 32, 33 उसके आसपास रहता है। उसके बाद सबसे पहला जो टैक्स तेल के ऊपर लगता है वो लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी टैक्स, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का वैट लगता है। आज के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो लगता है वो बेस प्राइस यानी क्रूड ऑयल के प्राइस से भी ज़्यादा है। फिर वहाँ पर एक चीज़ और ऐड होती है, जो डीलर का कमीशन होता है। ऑब्वियसली डीलर को तो प्रॉफिट कमाना है ना, तो वहाँ पर उसका भी प्रॉफिट ऐड होता है, तब जाके आज के टाइम पे मुंबई के अंदर 97 रुपीज़ बन रहा है, राजस्थान के अंदर 100 रुपीज़, MP के अंदर भी 100 रुपीज़ से ऊपर जा चुका है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये रेट ऐसे ही बढ़ता रहा, ऑब्वियसली बढ़ता ही रहेगा, इतनी आसानी से इसको कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली मुझे भी बहुत दुख हुआ इसको जान के कि मैंने पेट्रोल गाड़ी ले ली, मैं ही वीडियोस बनाता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में और मैंने ही पेट्रोल गाड़ी ले ली। लेकिन मेरा रीज़न था, रीज़न ये था कि मेरे जो ट्रैवल होने वाले हैं वो लंबे लंबे ट्रैवल होने वाले हैं, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के टाइम पे परचेस नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप सिटी सिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेफर करना चाहिए। एक बार ट्राई ज़रूर करें, एक बार उसका एनालाइज करें कि आपका कितना खर्चा होगा एक्चुअली में, कितने पैसे आप बचाएंगे, आपका कितना टाइम बचेगा, आपका कितना पैसा बचेगा। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, पक्का जाके उस वीडियो को देखना है। दूसरी बात, मैंने कुछ टाइम पहले एक हाइब्रिड नेक्सॉन के बारे में आपको बताया था, उसका डिस्कस किया था, मेरे कई लोगों से बात भी उसके बारे में, और मुझे लगता है कि वो प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। आपके पास सिटी के अंदर चलाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो और हाईवे पर जाने के लिए एक कंबशन इंजन वाला इंजन हो, तो आप उस गाड़ी को प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए आज के टाइम पे सिटीज के अंदर हाइब्रिड व्हीकल बहुत ज्यादा काम के होते हैं। इसके बारे में भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और तीसरा सॉल्यूशन क्या है, देखिए तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कीजिए। जैसे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर ये जो बस है इसको भी इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, और धीरे धीरे इनकी फ्लीट बनती जाएगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे बनती जाएगी एक्चुअल प्राइस है लिथियम आयन बैटरी का वो कम होता रहेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप कैसे पेट्रोल के बढ़ते प्राइस को कंट्रोल में कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज़ सिग्नल के ऊपर अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, वहां पर आपको जरूरत है नहीं। अगर 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट आपको लगेगा क्या होगा 1 मिनट के अंदर, लेकिन एक 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 मिनट कर करके आपका बहुत सारा फ्यूल बचेगा। दूसरी, रैश ड्राइविंग मत कीजिए, रैश ड्राइविंग में फ्यूल बहुत कंज्यूम होता है।
तीसरा छोटे छोटे ट्रिप्स जैसे मार्केट में जाना है जो आपके पास में ही है, उनके लिए गाड़ी को मत यूज़ कीजिए, बाय वॉक जाइए, साइकिल से जाइए, ये दो बहुत अच्छे कम्यूट की ऑप्शन है, इनका यूज़ कीजिए, आपका फ्यूल का कंजप्शन वैसे ही थोड़ा कम आ जाएगा, पार्किंग के चार्ज बचेंगे। आप बोलेंगे आप अफोर्ड कर सकते, जी हाँ आप डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे जो एडिशनल पोल्यूशन होता है वो हमारा अर्थ अफोर्ड नहीं कर सकता। हम गाड़ियों को अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनका यूसेज कम करके, पोल्यूशन कम करके हम उस खतरे से बच सकते हैं। तो यही थी छोटी सी वीडियो पेट्रोल के बढ़ते दाम के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बाकी लोगों से शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी ऐसे बढ़ते दाम को कंट्रोल कर सकें। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।